हमें बहुत ज़रूरत है हमारे आज और आने वाली जनरेशन को ये बताने की रियल हीरोज़ वो नहीं जिसे सारी दुनिया पर्दे पे दिखती है, रियल हीरोज़ वो है जो हमारे देश और सोसाइटी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जानने की, उनसे इंस्पिरेशन लेकर देश के लिए कुछ करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहानी बिहार के मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली 58 साल की राजकुमारी देवी, जिनको किसान चाची के नाम से भी लोग जानते हैं, जहाँ पे हमारे देश में ग्रामीण भागों में महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पर राजकुमारी देवी जी ने 300 महिलाओं को खेती सिखाई और उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाया। पर राजकुमारी देवी जी के लिए इतना आसान नहीं था। 1974 में राजकुमारी देवी जी की शादी जॉइंट फैमिली में अवधेश कुमार चौधरी से हुई। शादी के कुछ साल बाद उन्हें 3 बच्चे हुए। राजकुमारी देवी जी की लाइफ अपने परिवार के देखभाल में कट रही थी। ग्रामीण भागों की बाकी महिलाओं की तरह भी राजकुमारी देवी जी को घर से बाहर निकलने पर रोक थी। पर कुछ साल बाद अवधेश कुमार चौधरी का परिवार डिवाइड हो गया, जिसमें उनको 2.5 एकड़ जमीन मिली जिसके ऊपर तंबाकू की खेती की जाती थी, पर उनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती थी कि पूरा परिवार उनका चल पाए। राजकुमारी देवी जी ने उस जमीन पे खेती करने का डिसाइड किया और राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नॉलेज और स्किल्स सीखने के बाद उस जमीन पे सब्जियां, फलों और पेड़ों की खेती करनी शुरू कर दी। जब इसे कुछ इनकम होने लगी तो राजकुमारी देवी जी ने अपना बिजनेस करने का सोचा और अपने स्किल्स और नॉलेज का यूज करते हुए राजकुमारी देवी जी ने घर पे बनने वाले अचार, जाम, जेली को बनाने के लिए अपने खेत में उगने वाले सब्जी और फलों का यूज किया और कुछ टाइम के बाद उनके प्रोडक्ट पॉपुलर होने लगे और लोकल मार्केट में भी बिकने लगे। आज राजकुमारी देवी जी के पास अचार और जाम के 23 वेराइटीज़ है जो मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में भी बेची जाती है। हालांकि राजकुमारी देवी जी ने अपनी स्किल्स और नॉलेज को खुद तक नहीं रखा, उन्होंने और महिलाओं को खेती करने के लिए प्रोत्साहन किया और उन महिलाओं से मिलने के लिए राजकुमारी देवी जी एक गाँव से दूसरे गाँव साइकिल से जाती थी। डॉक्टर ने उनको साइकिल चलाने से ही मना कर दिया था कुछ सीरियस इंजरी के कारण, पर राजकुमारी देवी जी ने कभी हार नहीं मानी। राजकुमारी देवी जी बिहार की पहली महिला है जिनको हमारे देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2006 में राजकुमारी देवी जी को किसान श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया गया बिहार स्टेट द्वारा। राजकुमारी देवी बस उन 300 महिला के लिए रोल मॉडल नहीं है, हर उस इंसान के लिए जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोच और हिम्मत रखता है। हमारे देश के डेवलपमेंट में हर साल एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश का किसानों का भी होता है। हर एक किसान जो दिन रात मेहनत करके हमारे देश और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपना पेट काट कर हमारा पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं और बदले में इनको मिलता क्या है? 2018-19 के एक रिपोर्ट से ही पता चलता है कि किसानों की एक एवरेज मंथली इनकम 6,000 से 10,000 रुपये, जो कि बहुत ही कम है। सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ने जो 3 बिल पास किए थे, किसानों को इनसे बेनिफिट्स कम और प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी क्योंकि इन फार्म्स लॉ में हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइज कर देगी और ये बड़ी बड़ी कंपनी अपना मोनोपोली जमा पाएंगी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर। और हमारे देश में 82% किसान छोटे किसान हैं और एक रिपोर्ट से ही पता चलता है कि आने वाले समय में इन किसानों की ज़मीन और भी छोटी हो जाएंगी और ये किसान और भी छोटे होते जाएंगे। इन मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के बोझ चले ये किसान कहीं ना कहीं दब जाएंगे। और क्योंकि बार्गेनिंग पावर किसानों से ज़्यादा इन बड़ी कंपनी के पास हुई है, तो इसका फ़ायदा पूरी तरह से ये कंपनी उठाएंगे और इनसे लीगल फाइट करना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पर सच तो ये है कि आज हमारे देश में सिचुएशन ऐसी है कि 10 में से 9 किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। आपसे मैं बस इतना ही कहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट फार्मर्स, अगर हो सके तो उनकी कुछ हेल्प भी कीजिए। बाकी आपको लाइक डिसलाइक जो सही लगे वो कीजिए, पर चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं सागर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।